मेरे सब बसी बोर थले काली कार बैठे कार विच मेरे जुनवे जे यार। सो गाइस हमने फाइनली डिलीवरी ले लिया भाई, ये हमारी ऑल न्यू फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट भाई, पूरी गाड़ी आप देख सकते हो, ये सब हमारा काम कर रहा है। नहीं निकलेगी तो नहीं, टो से निकलेगी बहुत ज्यादा। हाँ बच गई, अच्छा उस सड़क के ऊपर से राहुल एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल राहुल सिंह व्लॉग्स। सो गाइस स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, और भाई मैं जा रहा हूँ फॉर्चुनर से एक न्यू फॉर्चुनर उठाने, बहुत पैसा आ गया है मेरे पास। नहीं नहीं मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ, एक भाई हमारे एक भैया है वो फॉर्चुनर उठा रहे हैं आज, तो बस उसकी डिलीवरी लेने हम लोग जा रहे हैं, मैं ईशू और हमारा सस्ता पीयूष जोशी का छोटा भाई, नहीं पीयूष जोशी है ना, सौरभ जोशी का छोटा भाई पीयूष है, ये ठाकुर नकली ठाकुर और सिंह लगाते हैं ऊपर से। सो भाई बस जा रहे हैं, चार पांच फॉर्चुनर जा रही हैं साथ में, फिर डिलीवरी आपको दिखाते हैं। भाई 58 समथिंग की हो गई है, और लेजेंडर तो भाई 65 लाख की हो गई है। भाई क्या हो गया यार, बस हम ही लोग गरीब रह रहे हैं कि पुरानी फॉर्चुनर चला रहे हैं, बाकी सब के पास पैसा आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है, बस हमारे पास क्रेडिट नहीं हो रहा, डेबिट होते जा रहा है यार। बाइक वाला बहुत क्लोज से नहीं गया इशू भाई, बहुत ज्यादा क्लोज से गया, मैं वीडियो बना था देखा ही नहीं, अभी हमको इंश्योरेंस क्लेम कराने जाना पड़ता। सो भाई चलो आपको दिखाते कि कौन कौन भाई हमारे साथ जा रहा है, और जैम्बो भी आ रहा है भाई, उसको भी लेने एयरपोर्ट जाना पड़ेगा हमको, सो वो भी आपको चेकआउट कराते हैं। बेचारा गया था अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने, लेकिन उसकी सगी भुआ एक्सपायर हो गई, तो भाई उसका पूरा फ्लॉप हो गया प्लान बेचारे का, और ऊपर से 60-70 हजार रुपए भी लग गए भाई के, वो आपको मैं कहानी बाद में बताऊंगा, अभी तो चलते हैं डिलीवरी लेते हैं और आप सबको चेकआउट कराते हैं। भाई भाई एक वीडियो भी अटैच कर दूंगा यहाँ पे, कल एक बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे स्विफ्ट वाले का, वो भी आपको चेकआउट कराऊंगा मैं, मतलब वो उसको चलाते बनती नहीं थी और आके घुस गया, मैं और पीयूष सेल्टोस में थे ना उस समय, भाई वो भी आपको इस वीडियो में अटैच कर दूंगा, वो भी आप देखना। भाई साहब एक्सीडेंट देख रहे हो आप, इतनी गंदा एक्सीडेंट हुआ है। अंदर कुछ हेल्प है सामने, सामने से वो पूरी भिड़ चुकी है, कुछ हेल्प है बता दो आप, कैसे मतलब कैसे भिड़ गई गाड़ी? अच्छा सीधा ही आ गया, बहुत ज्यादा ही भिड़ गई है। हाँ नहीं निकलेगी तो नहीं, टो से निकलेगी, बहुत ज्यादा भिड़ी है। हाँ बच गई, अच्छा वो स्विफ्ट है ऊपर से, हाँ कम्बा भी टेढ़ा हो गया। हाँ एयर बैग नहीं खुले, बस सीट बेल्ट नहीं लगी होगी। भाई साहब खतरनाक एक्सीडेंट, भाई साहब कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, वो बोल रहे हमको हेल्प भी नहीं चाहिए, हम अपने घर से बुला लिया है, हम लोग रुक गए भाई इंसानियत के लिए कि भाई थोड़ी सी हेल्प कर देते, क्यों भाई पीयूष इंसानियत भाई दुनिया में। भाई चलो ठीक है। हाँ तो भाई बताओ पीयूष उस दिन क्या हुआ था अंकल का? कल कुछ नहीं हुआ था, हम लोग मैं और भैया यशराज भैया को छोड़ के लौट रहे थे, वो ब्लॉग में भी देख लेना, तो हम लोग जब लौट के यहाँ से आ रहे थे तो वो जहाँ बोर्ड दिखाया ना भैया ने, वहाँ बोर्ड के पास एक स्विफ्ट घुसी मिली, हम लोग को लगा कि एक्सीडेंट हो गया है और कोई कार छोड़ के भाग गया है, तो देखा तो अंकल अंदर ही बैठ के फोन में बात कर रहे थे, स्विफ्ट भिड़ी अंदर घुसी पड़ी है वहाँ, वो कुछ ट्राई नहीं कर रहे। उसके बाद हम लोगों ने उतर के उनसे पूछा अंकल हेल्प ले, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं बेटा हमको कोई नहीं चाहिए, हम तो सिटी प्रिंस हैं। उसके बाद उन्होंने किसी को फोन लगाया, फिर भैया ने धूप दी, तो हम लोग वहां से निकल गए।
और लेकिन एयर बैग नहीं खोले थे भाई? एयर बैग नहीं, कुछ नहीं हुआ था, बस गाड़ी साम बम्पर चला गया था और टायर उसका फंस गया था वहाँ सीमेंटेड वाली उस पर रोड, अलॉय टूट गया था उसका, हाँ इसलिए वो बैक नहीं हो रही थी। फिर अंकल ने बोले कि मेरी बहुत पहचान है, मैं खुद ही निकाल दूंगा, खुद ही लगा लूंगा, मैं गटोस का छू। अब बताओ भाई, अभी काफला थोड़ा सा लेट हो रहा है, अभी आ रहे हैं सब, उन्हीं का वेट हो रहा जा रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे उनका वेट हो रहा है। यहाँ पे एक ऑफिस है भाई हम लोग का मेडिकल में, सो बस यहीं पर पूरे लोग आएंगे, फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे टोयोटा शोरूम, डिलीवरी लेंगे, फिर घर आएंगे, फिर जैम्बो को लेने जाएंगे। ये हमारा क्वारंटीन ऑफिस है, यहाँ पे सबको बंद करके कुछ उनके साथ वार्तालाप की जाती है, आपको मैं इन डिटेल वो उसमें बताऊँगा, इंस्टाग्राम में मुझे वहाँ पे मैसेज करो, आपको वहाँ बताऊँगा कि यहाँ पे क्या क्या हुआ जाता है। ठीक है भाई, ये ऑफिस है अभी बन रहा है, अभी व्यवस्था हो रही है, सीलिंग वीलिंग हो चुकी है, बाकी काम हवा भी चल ही रहा है। आओ ईशु भाई बैठो, वो छत वाते ऊपर, अरे इन लोग से बकचोदी बस करवा लो गाइस, ये अंकल ना पागल हो गया बुड्ढा भाई, यहाँ लाखों की डील हो रही है ईशु भाई और प्रांजल की, गॉड क्या है वे गधा वधा है क्या भाई, एक और फॉर्च्यूनर रेड हो चुकी है, चलो आओ अंदर चले भाई, आ चुके थे हम लोग, देखो कितनी सारी गाड़ियां खड़ी है यहाँ पे अपने, चलो अंदर चले, पेपर वर्क चल रहा है अभी। ये है भाई हमारी गाड़ी 4x4, पेपर वर्क हो जाए फिर उसके बाद डिलीवरी लेके घर चलते हैं। इस भाई कौन सी बुक करना है गाड़ी, हाइलाइट्स? एक हाइलाइट ब्लैक कलर, तेरी कौन सी बुक करनी है, हैं टोयोटा की नहीं है वो, जो भी हो यहाँ थोड़ी करनी है, फिर ठीक है। बहुत तेज साफ सफाई चल रही है, अरे पीछे खड़े नहीं होना, आ गया दे 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 दे।
फंसा देना था टाइम को बस चढ़ाओ उठा लो ना तभी नहीं कराना हम कह रहे हो वो तो पता है सो गाइस हमने फाइनली डिलीवरी ले ली है भाई। ये हमारी ऑल न्यू फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट भाई। पूरी गाड़ी आप देख सकते हो, ये सब हमारा काफिला है भाई। किशु भाई ये हमारी सिक्योरिटी के लिए आए हैं इलेक्शन में। हाँ तो ये छोटे भाई लोग को हम लोग कुछ खिला पिला रहे हैं सबको। खाओ पियो बेटा अच्छे से। फोटो वोटो तो नहीं खिंचवानी किशु भाई? नहीं, बैंक से रिलेटेड कुछ काम था। और यहाँ पे इतना प्यारा मौसम हो रहा है भाई, बारिश हो रही है। और अभी हम लोग टोयोटा वापस जाएंगे, भैया को अपनी लेजेंडर उठानी है, उसके बाद उनको छोड़ के हम अपने घर जाएंगे, रेडी होंगे, जिम जाएंगे, उसके बाद जैम्बो से मिलेंगे। जैम्बो की भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे भाई। मौसम चेक कर रहा है, देखो सूरज भी दिख रहा है और ऊपर से इतनी तेज़ बारिश हो रही है। अब तो कम हो गई भाई, अभी तो ओले भी गिर रहे थे यहाँ पे। नाइस मौसम सब। इस तरफ दिखाओ ना भैया, कुर्सी उर्सी थोड़ा पड़ा सब यार। सब कुर्सी वर्सी उड़ गई है भाई। यस भाई, फाइनली हम लोग डिलीवरी लेके आ चुके हैं और खाना पीना भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और ईशु भाई को भी छोड़ दिया। और अब भाई जैम्बो आ रहा है तो जैम्बो देगा भाई पार्टी, ठीक है? जैम्बो से भी मिलवाते हैं। और एक भाई और आया है भाई पंजाब से 302 करके उससे भी मिलवाते हैं भाई आपको, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड, बने रहो वीडियो में भाई। ये देखो जैम्बो को, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे जैम्बो। थैंक यू भाई, मेरा दिया हुआ ककावर बहुत अच्छा लग रहा। लेकिन अपनी चीजें गिनाने नहीं भूलेगा ना वे जैम्बो। पहले मेरी चप्पल दे। भाई फाइनली पार्टी वार्टी हम लोग करके आगे, वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया। सो दिस इज मी राहुल सिंह साइनिंग ऑफ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप भाई आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। टिल देन गुड बाय, शब खैर भाई। विंड ब्लास्ट में थोड़ा एडजस्ट कर लेना, हम जैम को छोड़ने आए थे भाई एयरपोर्ट। तो देखो भाई इसकी हालत ऐसे हो गई, तो ये जा रहा है। हेलो गाइस, कहाँ जा रहा है फिर तू? ये जा रहा है भाई दिल्ली। मैं भी दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, मेरे को बहुत सारे काम है, मेरे अभी एक दो काम मेरे रखे हुए हैं, इसलिए मैं जा नहीं रहा। और आपकी भाई की अभी बॉडी शॉडी बन रही है ना अच्छे से, तो वहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। आपको बैग वैग भी पूरे रखे हैं। जैम्बो को करते हैं बाय बाय। बाय लैंडी, बाय जैम्बो। भाई ये मोंग बनने जा रहा है लद्दाख, बोल रहा पैर मत मार बैग में। मैं मारता नहीं, ऐसे ही थोड़ी सी इसके साथ मस्ती कर रहा हूँ। देखो एस्टेटिक का चौदह बन के जा रहा है गाइस, ये एस्टेटिक का चौदह। चौदह लाल का दामाद भी ऊपर से। बाय बाय जैम्बो, बाय बाय जैम्बो, बाय बाय जैम्बो, बाय 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 बाय।